नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीनी अतिक्रमण का आक्रामक जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की कई पहाड़ी चोटियों पर सामरिक हथियारों और साजो सामान के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पेंगोंग झील के उत्तर में फिंगर फोर के इलाके में चीनी सेना की हरकतों को थामने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं। दो दिन पहले यानी 8 सितंबर को चीन के सैनिकों ने पेंगोंग झील के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन के सैनिक दो मोटर बोट्स में आए थे। उन्होंने फिंगर फोर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बाद फिंगर फोर के इलाके में ऊंची पहाड़ियों को भारतीय सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी अब इस इलाके में चीन के लिए मोटरबोट से घुसपैठ आसान नहीं होगी। पेंगोंग झील इलाके की दक्षिणी चोटियों पर मजबूत तैनाती के दम पर भारतीय सेना LAC के पार चीन के मोल्डो सैन्य बेस समेत उसके कुछ अहम सामरिक पोस्ट पर सीधी निगरानी रख रही है। इसी वजह से बेचैन चीन इन इलाकों में भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए बीते 12 दिन से लगातार प्रयास कर रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी आक्रमकता को थामने के लिए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण की रणनीतिक रूप से अहम सभी चोटियों और पोस्ट पर तैनात सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। चीनी सेना की चुनौतियों को आंकते हुए हथियारों और सामरिक संसाधनों की क्षमता में भी इजाफा किया गया है। इसी तरह उत्तरी पेंगोंग के फिंगर फोर से 8 के इलाके में सभी अग्रिम मोर्चे पर भारत ने अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है, ताकि इस इलाके में डटे चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यहाँ टैंक, मोर्टार और दूसरे हथियार भी तैनात किए गए हैं। हालांकि LAC पर मौजूदा हालात की गंभीरता को दोनों देश समझ रहे हैं और इसीलिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर और कमांडर स्तर पर गुरुवार को हुई सैन्य वार्ताओं में तनाव के बढ़े पारे को नीचे लाने के कदमों पर बात हुई। वार्ता के नतीजों को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि भारत ने चीन को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि LAC पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा बदलने के लिए कोई हरकत की तो भारतीय सैनिक इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय सैनिकों ने अगस्त के आखिर में इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से सबसे अहम रेजांग ला और रैकिन ला के इलाके की महत्वपूर्ण चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात कर चीनी सेना को हतप्रभ कर दिया था। इसके बाद चीन ने 29 और 31 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की। 7 सितंबर की शाम 60 चीनी सैनिकों ने बर्छी, भाले, रॉड और दूसरे धारदार हथियारों के साथ इन चोटियों से भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश की। चीनी सेना ने हवाई फायरिंग तक कर डाली, जो बीते 45 साल में ऐसी पहली घटना थी। भारतीय जवानों ने चीन के इरादों को नाकाम कर दिया और उसके बाद से लगातार इन चोटियों पर अपनी सैन्य और रणनीतिक मोर्चेबंदी मजबूत की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।